यकूजा गैंग एक जापानी गैंग है जो कि 17वीं शताब्दी में बना था। इसे बुराकुमिन जनजाति के लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे जापानी की सबसे छोटी जातियों में से एक माना जाता था। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। लोग इन्हें अपनाते नहीं थे और नीचा दिखाते थे। इनके पास कोई काम नहीं था और इनकी अनदेखी भी होती थी। ऐसे में इन लोगों ने चोरी, डकैती और जुए जैसे काले धंधे अपना लिए। ये जनजाति भी दो हिस्सों में बटी थी, बकुटो और टेकिया। टेकिया वर्ग के लोग चोरी डकैती से मिले सामान को बाजार में बेच दिया करते थे, वहीं बकुटो जुए के धंधे चला रहे थे। ये लोग धीरे धीरे पूरे जापान में फेमस होने लगे और इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। आगे चलकर ये यकूजा के नाम से पहचाने जाने लगे। ये जापान के संगठित क्राइम सिंडिकेट है। यकूजा गैंग के लोगों पर जापानी सरकार की नजर तो पड़ी, मगर उन्हें रोकने के लिए कुछ खास किया नहीं गया। ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ी और वो फिर चोरी डकैती की तक नहीं रुके। वो ब्लैकमेलिंग, अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी डीलिंग, किडनैपिंग और वैश्यवृत्ति जैसे गैर कानूनी कामों में भी अपनी जगह बनाने लगे। इस तरह यकूजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त इस गैंग के सदस्यों की संख्या करीब 2,00,000 तक पहुंच गई। जापान सरकार ने खुद 2007 में बताया था कि वहां और दूसरे देशों में कुल 102,000 यकूजा मेंबर एक्टिवेट थे। ये सभी 2500 अलग अलग परिवार से संबंध रखते हैं। मगर ओयाबुन को जहां बड़ा गिलास भरकर दिया जाता है, वहीं कोबुन को गिलास में थोड़ी ही शराब दी जाती है। ऐसा इसलिए कि ड्रिंक में आपका ओहदा पता चलता है। ड्रिंक ज्यादा मतलब स्टेटस में बड़ा। हालांकि इस गैंग के बहुत से नियम है जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। अगर किसी गैंग मेंबर ने कोई गलती की या दूसरे सदस्य के साथ गलत व्यवहार किया तो ऐसा करने वालों को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली का अगला भाग काटना पड़ता है। ऐसा हर गलती पर करना पड़ता है। इसके अलावा यकूजा की पहचान भी काफी दर्दनाक है। और ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरण दंदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा है।